संभावना है। यस स्टीव, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सिस्टी, क्या था बेसिकली ये सारा जो कंसेप्ट, जो प्रोजेक्ट था आपका, और कैसे आपको इसमें पता लगा था और आपने कैसे अप्लाई किया? मैंने बेसिकली मुझे था कि मैंने एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री विजिट की, वहाँ पे मैंने देखा कि जो भी उनका डाई वाटर होता है वो उसे बिना ट्रीट किए ही स्ट्रीम्स में भेज देते हैं, और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप इस पानी को कभी ट्रीट करते हैं, तो उन्होंने मेरे से आगे से पूछा कि क्या आप अपने घर में जो डिटर्जेंट वाटर होता है क्या आप उसे ट्रीट करते हैं, तो वहाँ से मेरे को लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए डिटर्जेंट वाटर के बारे में। एंड मैंने रिसर्च करके मैंने एक मेथड डेवलप किया जिसमें मैं सोलर लाइट और नैनो पार्टिकल्स का यूज़ करती हूँ जिंक ऑक्साइड के इस डाई वाटर को, सॉरी डिटर्जेंट वाटर को ट्रीट करने में, और वो एक ग्रीन मेथड है, एनवायरनमेंट को बिल्कुल हार्म नहीं करता है क्योंकि सोलर लाइट इस्तेमाल हो रही है, और बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है, बहुत कम इक्विपमेंट की ज़रूरत है इसमें, ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं चाहिए। एंड मुझे ये था कि पानी जो एक बेसिक नीड होती है सबकी, प्योर पानी, वो सारे लोगों को नहीं मिल पाता है, स्पेशली जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग जो नेशंस हैं अभी, उसमें बहुत नीड है प्योर वाटर की, तो क्यों ना मतलब कुछ डिटर्जेंट वाटर, क्योंकि उसको डिटर्जेंट वाटर को हम और कहीं यूज़ भी नहीं कर सकते, ना उसे हम पौधों के लिए यूज़ कर सकते, कहीं भी नहीं यूज़ किया जा सकता, तो मैंने सोचा कि डिटर्जेंट वाटर से ही कुछ करना चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट था। गूगल साइंस फेयर के बारे में मेरे को मेरे स्कूल से पता चला, और फिर मैंने अपना प्रोजेक्ट गूगल में दिया, और अब मेरा ग्लोबल फाइनलिस्ट जो 15 सिलेक्ट हुए हैं वर्ल्ड वाइड, उनमें से मैं एक हूँ। तो इसमें अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट कैसे अब आगे जाएंगे, गूगल ने क्या आगे प्रोजेक्ट दिया? मैं अभी पहले तो एक पेटेंट के लिए अप्लाई करूँगी इस प्रोजेक्ट में, फिर मैं इसे कमर्शलाइज करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, मैं चाहती हूँ कि बहुत कम से कम कॉस्ट में सबको प्योर वाटर अवेलेबल हो जाए, तो मैं आप जैसे बता रहे हैं कम से कम उसमें सोसाइटी के लिए कितना हेल्पफुल होगी ये चीज़ आगे, जो आपका अगर प्रोजेक्ट आपको पेटेंट मिलता है, और कितना हेल्पफुल हमारे सोसाइटी के लिए? बहुत हेल्पफुल होगी, बिकॉज हम देखते हैं कि ना जाने कितना ही डिटर्जेंट वाटर रोज़ ड्रेन्स में चला जाता है, उस सबको हम मतलब अगर प्योरीफाई कर जाएँ तो, और उसको नॉर्मल वाटर से कम उसका कॉस्ट हो, तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इसको यूटिलाइज करने की भी एक टेक्निक है। जी, हमने सुना है कि आप सिर्फ ये नहीं कि इससे पहले भी एकेडमिक्स में भी बहुत टॉपर रहे हैं और बहुत अच्छे आपके रिजल्ट्स आते रहे, इससे पहले आपको क्या क्या अवार्ड्स मिले? और इससे पहले मुझे, मैं एक NTSC स्कॉलर हूँ, और मैं अपनी स्कॉलरशिप से एक बच्ची 4 साल के अंडर उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर करती हूँ, अंडर प्रिविलेज्ड है, एंड मैंने इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड की 2nd स्टेज तक गई हूँ, फिलोसफी ओलंपियाड में 8th रैंकर हूँ, और कथक डांसर हूँ, ना जूनियर डिप्लोमा कंप्लीट करूँगी अभी अगस्त में, एंड फेंसिंग करती हूँ। ओवरऑल अगर आप बात करें, कितनी आपको स्पोर्ट जो है, अगर फैमिली की अगर बात करें, फैमिली से स्पोर्ट की बात करें, या स्कूल की, कितनी आपको स्पोर्ट? स्कूल की तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिली है, बहुत डिफ़िकल्ट जो पोर्शंस थे प्रोजेक्ट के, उसमें साइंस टीचर्स ने बहुत हेल्प की है समझाने में, और लैब असिस्टेंस बहुत रही है हमेशा ही, स्कूल आवर्स के बाद भी बहुत रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है स्कूल का, उनकी मेथडोलॉजी भी बहुत अच्छी है, और फैमिली से तो हमेशा ही सपोर्ट रही है, मोटिवेशन हमेशा, पेरेंट्स ने हमेशा मोटिवेट किया है, और हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ उन्होंने बोला है कि आप पॉजिटिव